स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 पोएट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री और जिसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद को एक्सप्लेन करूंगा, इसकी व्याख्या बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और आप जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद एक योगी थे, एक दार्शनिक थे और एक योगी ही सच्चा संकल्प शक्ति वाला होता है। और सम्यक विचार भी एक योगी ही दे सकता है। हालांकि कुछ विचारक होते हैं जो योग से कोई संबंध नहीं रखते, पर मेरा मानना है कि एक योगी के ही विचार ज़्यादा सम्यक होते हैं। स्वामी विवेकानंद को हम दार्शनिक, फिलासफर या विचारक के रूप में जानते हैं। उनमें कवित्व का भी गुण था और उनकी यह कविता विवेकानंद के दर्शन अद्वैतवाद से प्रेरित है। विवेकानंद की जो फिलॉसफी है अद्वैतवाद के प्रति, उसका निचोड़ है यह कविता। अब अद्वैतवाद क्या होता है यह जानना है। इस संसार में सभी प्राणी अंधेरे में है और प्रकाश की खोज में है। खोजने का तरीका अलग अलग हो सकता है, चाहे जिस रास्ते पे चलकर हम प्रकाश तक पहुंचें तो क्या होगा, प्रकाश आते ही आंखें चुधिया जाएंगी। और प्रकाश का अर्थ ही होता है सत्य, ईश्वर। तो जब प्रकाश सामने आएगा तो आंखें चुधिया जाएंगी, फिर ईश्वर का दर्शन कैसे करेंगे। अद्वैतवाद के अनुसार जब प्रकाश आ जाए को हम ईश्वर नहीं समझते हैं, बल्कि प्रकाश ईश्वर के आने का संकेत होता है, क्योंकि प्रकाश इतना ज़्यादा होगा कि ईश्वर दिखेंगे नहीं। और यहाँ से शुरू होती है प्रार्थना। प्रकाश तक हम अपने संकल्प से, अपने योग से पहुँचते हैं। और जब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है तो आंखें चुधिया जाती हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना करनी होती है। और प्रार्थना के बाद हम जो स्थिति पाते हैं वह होता है अद्वैतवाद, जहाँ पे ना तो प्रकाश होता है ना तो अंधकार, बस ईश्वर ही ईश्वर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। द वुंडेड स्नेक इट्स फूड ऑन फर। वुंडेड का अर्थ होता है चोटिल, घवाइल। स्नेक मीन्स सर्प, फूड का अर्थ है फन, अनफर्ल का मतलब है फैलाना। घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप दोथ ब्लेज। फ्लेम का अर्थ होता है चिंगारी या लौ, स्टीयर्ड का मतलब होता है कुरेदना और ब्लेज का अर्थ है ज्वाला। जब चिंगारी को कुरेदा जाता है तो वह ज्वाला बन जाती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान, रिसाउंड्स मतलब प्रतिध्वनि, हर्ट स्ट्रक अत्यधिक घायल, लायंस रेज शेर के क्रोध को,
या शेर की गर्जना को। तो जो रेगिस्तान में हवा होती है या रेगिस्तानी हवा अत्यधिक घायल शेर के क्रोध को या गर्जना को प्रतिध्वनित करती है। चोटिल सर्प अपने फन को फैला लेता है। एक छोटी सी लौ कुरेदे जाने पर ज्वाला बन जाती है और अत्यधिक घायल शेर की दहा को रेगिस्तान की हवा भी प्रतिध्वनित कर देती है। प्रतिध्वनि प्रायः तब होती है जब साउंड किसी सरफेस से टकराता है, लेकिन जब दहाड़ होती है उस शेर की जो अत्यधिक घायल हो तो उसकी दहाड़ को हवा भी प्रतिध्वनित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ। क्लाउड का अर्थ है बादल, पुट्स फोर्थ का मतलब है उड़ेलना या रखना, डिलग मीन्स मूसलाधार बारिश या बाढ़, स्ट्रेंथ में शक्ति। व्हेन लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कना, क्लीवेज मीन्स चीर देना और ब्रेस्ट मतलब छाती। जब बिजली बादलों की छाती को चीरती है तो फिर बादल मूसलाधार बारिश के रूप में अपनी शक्ति को दिखाता है, तब बादल फट जाता है और फिर मूसलाधार बारिश चारों तरफ सैलाब ला देती है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. Soul means आत्मा, stirred का अर्थ है झिझोड़ना, inmost depth अत्यधिक गहराई तक, unfold मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो जब किसी की आत्मा को गहराई तक झकझोड़ दिया जाता है तो उसमें से जो महान लोग होते हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी महान लोग आए हैं वो विपरीत परिस्थितियों में ही सामने आए, कहीं न कहीं उनको झकझोड़ा गया और फिर वे महान बने। तो जब बिजलियां बादल को चीर देती हैं तब बादल अपना रौद्र रूप दिखाता है, मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आती है। और जब किसी की आत्मा को अंदर तक झिझोड़ देते हैं तो महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, अपनी महानता को दिखाते हैं। लेट आइज ग्रो डीम एंड ईयर ग्रो फेंट। आँखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो, कान कमज़ोर होते हैं तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिटर। और मित्रता अगर असफल हो जाती है और प्यार अगर धोखा दे देता है तो देने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। और यदि भाग्य सैकड़ों संकट भेजता है, सैकड़ों संकट देता है तो देने दो। फेट का अर्थ होता है भाग्य और हॉरर्स का अर्थ है संकट। तो यदि भाग्य सैकड़ों संकट देता है तो देने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। क्लॉटेड डार्कनेस का अर्थ है पूर्ण अंधेरा, घनघोर अंधेरा। और यदि घनघोर अंधेरा रास्ते में हो तो होने दो। यदि आंखें कमज़ोर हो जाएं तो होने दो, कान कमज़ोर पड़ जाएं तो पड़ने दो। मित्रता धोखा दे दे, असफल हो जाए या फिर प्यार बेवफाई कर दे तो करने दो। और तो और भाग्य भी अगर तुम्हारे सामने सैकड़ों संकट लाए तो लाने दो। रास्ते में घनघोर अंधेरा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, होने दो।
एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रोन, और यहाँ तक कि प्रकृति भी तुम्हारे लिए त्योरियाँ चढ़ा के बैठी हो, तुमसे नाराज हो। टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई सोल, और प्रकृति भी अगर तुम्हारे प्रति त्योरियाँ चढ़ाई हो तुम्हें कुचलने के लिए, स्टिल नो माई सोल, पर मेरी आत्मा तुम यह जानो, यू आर डिवाइन, तुम ब्रह्म हो। मार्च ऑन एंड ऑन, चलते रहो चलते रहो। नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, ना तो बाएं ना तो दाएं, बस लक्ष्य की तरफ। और यदि प्रकृति भी तुमसे नाराज हो, तुम्हारे प्रति त्योरियां चढ़ाई हो, तुम्हें गुस्से से देख रही हो, तुम्हें कुचलना चाह रही हो, तो भी मेरी आत्मा तुम यह जानो कि तुम एक ब्रह्म हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस चलते रहो, ना तो बाएं ना तो दाएं, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ चलो।